रविंद्र जडेजा T20 वर्ल्ड कप से भी हुए बाहर। घुटने की चोट ने बढ़ाई परेशानी, रिकवर होने में लगेगा 1 साल। अगर आप भी रविंद्र जडेजा के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस साल अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारत को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा इस मेगा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। PTI रिपोर्ट्स के अनुसार उनके घुटने की सर्जरी होनी है और उन्हें पूरी तरह फिट होने में काफ़ी समय लगेगा। जडेजा एशिया कप में ग्रुप मुकाबलों के बाद घुटने की चोट के कारण ही बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जो है रिजर्व खिलाड़ी अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में जडेजा ने 29 गेंदों में 35 रनों की शानदार पारी खेली थी, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल थे। वही गेंदबाजी करते हुए 2 ओवरों में केवल 11 रन खर्च किए थे। दूसरे जो है लीग में मैच में हांगकांग के खिलाफ जडेजा ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में केवल 15 रन खर्च करते हुए 1 विकेट हासिल किया था। उन्होंने शानदार थ्रो कर 1 रन आउट भी किया था। T20 क्रिकेट में जडेजा कमाल के फॉर्म में है। इस साल उन्होंने 9 मैच खेले हैं और 50.25 की औसत से 201 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 141 का रहा है। वही गेंद से जडेजा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने 9 मैच में सिर्फ 5 विकेट ही अपने नाम किए हैं। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं।